अंबुजा पब्लिक स्कूल राबडियाबाद सत्र में प्रवेश प्रारंभ 2022-23 कक्षा पीजी से पाँचवी तक सत्र 2022-2023 में विशेष योजना अंतर्गत एसीएल और नॉन एसीएल बालिकाओं के विशेष योजना के अंतर्गत किताबें और उत्तर पुस्तिकाएं निःशुल्क। नॉन एसीएल बालक बालिकाओं के लिए विशेष योजना के अंतर्गत विद्यालय शुल्क में भारी छूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में स्वास्थ्य विभाग की डिस्पेंसरी होती है, मगर जिला न्यायालय में इस डिस्पेंसरी से वंचित है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर के वाणी द्वारा देखा गया कि स्वास्थ्य विभाग की डिस्पेंसरी न्यायालय विभाग में भी होना चाहिए। जब न्याय विभाग, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को लेकर एक मीटिंग रखी गई थी, उस मीटिंग में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर के वाणी द्वारा न्यायालय परिसर में डिस्पेंसरी को लेकर एक प्रस्ताव रखा गया। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार कर सीएमएचओ को निर्देशित कर न्यायालय परिसर में डिस्पेंसरी खोलने को लेकर निर्देशित किया। अब मध्य प्रदेश में पहली बार उज्जैन जिला न्यायालय परिसर में डिस्पेंसरी का लाभ जिला न्यायालय के कर्मचारी, वकील और अन्य लोग जिनका संपर्क न्यायालय विभाग से है, लाभ ले पाएंगे। हाईकोर्ट एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा द्वारा चर्चा में बताया गया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर के वाणी साहब की एक अच्छी पहल नजर आई, जिसमें न्यायालय विभाग से कोई भी व्यक्ति हस्ता हुआ जाएगा। इसका मतलब प्राथमिक उपचार न्यायालय विभाग में ही दिया जाएगा। डिस्पेंसरी के शुभारंभ में डॉक्टर आशीष शर्मा की नियुक्ति कर दी गई है। उनका पुष्पगुच्छ देकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर के वाणी द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से अशफाक खान, सीजेएम अभिषेक नागराज, कोर्ट मैनेजर डॉक्टर अनिदा पद्मावत मेहता सहित संपूर्ण न्यायालय विभाग के कर्मचारी, वकील उपस्थित थे। मैडम, न्यायालय विभाग की एक अच्छी पहल आई है कि चिकित्सा परामर्श अब न्यायालय में रहेगा, क्या है विशेष ये? जिला न्यायालय में हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जो आर के वाणी सर हैं, उनके एफर्ट से अब कलेक्टर साहब से बात करके हमारे यहाँ पर एक डॉक्टर की नियुक्ति की गई है, जो सभी एडवोकेट्स, हमारे जो स्टाफ है, जुडिशियल ऑफिसर्स हैं या अदर स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी की सुविधा के लिए जो है हमने ये चिकित्सा परामर्श कक्ष का उद्घाटन किया है, और उसमें डॉक्टर आशीष सक्सेना जी को नियुक्त किया गया है, जो सभी प्रकार से इवन इनिशियल जो प्राइमरी लेवल का ट्रीटमेंट होता है वो तो यहाँ पर दे ही सकेंगे। अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाती, कोई पक्षकार रहते हैं, उन्हें कोई परेशानी होती है, तो अब यहाँ पर ये सुविधा रहेगी, तो सभी के लिए जो है, आम जन हो या एडवोकेट्स हों या जितने भी स्टेक होल्डर हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, और मुझे लगता है कि सभी इसका लाभ उठाएंगे। थैंक यू। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चिकित्सकीय परामर्श केंद्र भी कल से चालू किया गया है। इसमें मैं डॉक्टर आशीष सक्सेना प्राथमिक उपचार के तौर पर सभी कोर्ट मेंबर्स और वकील जो भी हैं उनको स्वास्थ्य लाभ देने का हम प्रयास करेंगे। इसका इसमें यहाँ मेरे बैठने का समय सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। बीमारियों का इलाज यहाँ पर पॉसिबल है? अभी स्टार्टिंग है, इसलिए प्राथमिक उपचार करेंगे हम, और धीरे धीरे जैसे भी ज़रूरत पड़ती जाएगी उसमें सुविधाओं को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बढ़ाया जाएगा। बताइए, आपके न्यायालय में एक डिस्पेंसरी खोली गई है, किस प्रकार का लाभ मिलेगा और क्या रहेगा इसमें? देखिए, क्या है कि ये कोर्ट परिसर ऐसा है जो एक पब्लिक प्लेस है, और पब्लिक प्लेस होने की वजह से पूरे संभाग के लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये जिला अदालत है, और जिला अदालत में आप देखेंगे फैमिली कोर्ट है, NDBS की कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट एट्रोसिटी की है, तो पूरे संभाग के लोग आते हैं यहाँ पे, तो हर प्रकार के जो है उसमें महिला, पुरुष, बच्चे जो है, वृद्ध, ये सभी प्रकार के लोग आते हैं, तो एक सोशल गैदरिंग का एक प्लेस है, और इतनी भीड़ और क्राउडेड होने के कारण आजकल एंजाइटी और हाइपरटेंशन और कई प्रकार की बीमारियों से लोग ग्रसित हैं, और सौभाग्य से इसी कारण से हमारे यहाँ जो है लिफ्ट भी लगाई गई थी। ऐसे में एक जो है सुंदर कदम प्रशासन द्वारा लिया गया, जिसमें हम हमारे माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय का विशेष योगदान रहा, और न्यायालय के परिसर में एक डिस्पेंसरी की स्थापना होने से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, एक पेशेंट को सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। सपोज़ करिए किसी को हल्का सा भी माइनर अटैक आया, कोई कॉम्प्लिकेशंस आए, या उसका ब्लड प्रेशर बूस्ट कर रहा है, तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो आदमी का जीवन हमेशा बचाता है, ये ध्यान रखें। तो एक पुरानी कहावत है कि डूबते को तिनका क्या सहारा,
तो यहाँ एक डॉक्टर का होना, प्राइमरी मेडिसिन होना, किसी को इंजरी आ जाने में उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट मिलना, इसके लिए एक सुलभ व्यवस्था उज्जैन में हुई और बाबा महाकाल की ऐसी नगरी में न्यायालय परिसर से भी कोई आदमी रोते हुए ना जाए, उसके लिए डॉक्टरों द्वारा ये सुलभ कार्य किया गया, उसके लिए साधुवाद।